Welcome to CSC classes. Please subscribe the channel, like and share this video. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपा अरोड़ा। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन टू 2D एरे डिक्लेरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे लगा दूंगी। आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ 2D एरे, दैट इज मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। आइए बात करते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे की। तो क्या होता है कि जैसे मैंने अभी प्रीवियसली भी आपको बताया कि अगर एक एरे है ए और उसमें m मल्टीप्लाई n की एरे है, यानी साइज ऑफ रो है m और साइज ऑफ कॉलम है n। अगर हम दो काउंटर ले रहे हैं इसमें प्रोग्रामिंग के लिए यूज करने के लिए, पहला है i और दूसरा है j। i रिप्रेजेंट करता है रो को और j रिप्रेजेंट करता है क्या, कॉलम को। तो ये i की जो रेंज है वो कहाँ तक चलेगी, 0 से लेके चलेगी m माइनस 1 तक, और जो j है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से लेके n माइनस 1 तक चलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एरे है, ठीक है, उसमें जो रो का साइज है वो कितना है 2 और कॉलम का साइज है 3, यानी इसकी रेंज चलेगी 0 से लेके 1 तक, इसकी रेंज चलेगी 0 से लेके हमारी 2 तक। तो देखिए दो रो है 0 एंड 1 और यहाँ पे कॉलम कितना है 0, 1 एंड 2। पहला जो होगा वो क्या होगा, एरे का नाम पहले बताया जाएगा, फिर 0 एंड 0, फिर एरे का नेम 0 एंड 1, फिर एरे का नेम यहाँ पे, फिर 0 एंड 2। इसी तरह से ये यहाँ पे बताया जाएगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं ए 0 1, तो इसमें 0 क्या है हमारा रो है और 1 क्या है हमारा कॉलम है, यानी 0 रो 1 कॉलम पे जो एरे की वैल्यू है उसे हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होती है ना, वो दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं हम मेमोरी में। पहला होता है कॉलम बाय कॉलम और दूसरा होता है रो बाय रो। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है सब्जेक्टिव में कि व्हाट इज टू डायमेंशनल एरे, या व्हाट इज एरे, डिफाइन द टाइप ऑफ एरे एंड ऑल्सो डिफाइन द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे। तो ये जो 2D एरे की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया दो टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम बाय कॉलम से और रो बाय रो से। आइए देखते हैं कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में जो मैंने बताया था आपको रो बाय रो, उसे कहा बोला जाता है रो मेजर ऑर्डर, और जो होता है कॉलम बाय कॉलम उसे बोला जाता है कॉलम मेजर ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, अब ना कई बार स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत सिंपल तरीके से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। देखिए अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एरे है इंटीजर, ठीक है, ये एरे का नेम है और यहाँ पे उसका जो रो का साइज है वो 2 है और कॉलम का साइज क्या है 3 है। 2 का मतलब है कि उसकी जो रेंज चलेगी वो 0 से 1 चलेगी, यानी उसमें दो रो आएंगी 0 नंबर की और 1 नंबर की। ठीक है, और जो हमारा कॉलम है वो कहां तक रेंज चलेगी, 0 से 2, यानी 3 हमारे कॉलम आएंगे 0, 1 एंड 2। तो आइए पहले रो मेजर ऑर्डर देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले लिखना है एरे का नेम। ठीक है, उसके बाद रो मेजर में क्या होना है, सबसे पहले जो रो है, ठीक है, और जितने कॉलम है हमने क्या करना है, पहली बार में रो को सेम रखना है। ठीक है, और कॉलम को जितने भी कॉलम है उन्हें हमें चेंज करते चलना है। तो पहली बार में हमारा जो रो है वो क्या है, 0 0 के लिए पहले ये सारी वैल्यूज चलेंगी, यानी 0 0 0 1 एंड 0 2। तो देखिए पहले क्या लिखा हमने, जो भी नाम है एरे का वो लिख दिया, फिर 0 0, फिर क्या लिखेंगे 0 1 0 1, फिर क्या लिखेंगे 0 एंड 2, यानी पहले हमें रो के साथ में सारे कॉलम, ऑल कॉलम। ठीक है, यानी पहले हमें क्या करना है, 1 रो नंबर लिखना है और उसके बाद में जितने भी कॉलम है वो उसके साथ में क्या कर देने हैं, लिख देने हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट अपनी रो पे चलेंगे, यानी 1, और उसके साथ ये सारे कॉलम लिख देने हैं, यानी 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 एंड 1 2। बहुत सिंपल तरीका है, एक बार एक रो को लेना है और उसको सारे कॉलम के साथ लिख देना है। ठीक है, रो मेजर ऑर्डर में। अब बात करते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर में, जस्ट अपोजिट आपको करना है। ठीक है, इसमें पहले क्या करना है, एक कॉलम लेना है, ठीक है, 1 कॉलम, और उसको किसके साथ लिख देना है, ऑल रोज के साथ में लिख देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, पहले रो ही आएगी। ठीक है, आप ये सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले 1 कॉलम, ठीक है, पहला कॉलम हमारा क्या है यहाँ पे, 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पहला कॉलम क्या लिखा, 0, है ना। तो अब इसी को इस तरीके से चलेंगे, लेकिन लिखना पहले रो ही है, यानी 0 0, फिर क्या लेंगे, रो दूसरी वाले लेंगे, यानी 1 0 0 0 1 0। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आप कौन सा कॉलम चलेगा, इस कॉलम के साथ सारी रो लिखनी है, लेकिन पहले सीक्वेंस वही आएगा, पहले रो का साइज आएगा फिर कॉलम का साइज आएगा। क्या लिखेंगे, 0 1 1 1 0 1 1 1, फिर ये वाले कॉलम को लेके चलेंगे 0 2 1 2,
0 टू 1 2। तो देखिए यहाँ पे एक कॉलम आ गया, ये दूसरा कॉलम आ गया और ये तीसरा कॉलम आ गया। यहाँ पे एक रो आ गई थी, दूसरी रो आ गई थी। तो एक रो मेजर ऑर्डर है और इसे कहते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना और ये इंपॉर्टेंट है हमारे सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। 2D एरे इनिशियलाइजेशन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि 2D एरे के जो हमारे एलिमेंट्स है, डेटा एलिमेंट्स, उन्हें हम लूप के थ्रू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पे बेस मैं आपको एक प्रोग्राम बता रही हूँ जिससे आप इसे लूप के थ्रू इनिशियलाइज करना बहुत ईजिली सीख जाएंगे। बाकी जितने भी प्रोग्राम हमारे मैट्रिक्स और हमारे एरेज पे आएंगे यानी 1D और 2D पे, उन्हें मैं एक सेपरेट लेक्चर वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि क्या करा है हमने प्रोग्राम के अंदर। तो हमने रिप्रेजेंट किया है अपने एरे को मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हैश लगा है। आप सभी को पता है हैश क्या होता है, प्रीप्रोसेसर होता है। क्या होता है कि जो कंपाइलर है वो प्रोग्राम को मेन से रीड करना स्टार्ट करता है। अब क्या होता है कि ऊपर की जितनी लाइंस है उसमें जो एरर है वो कौन पता लगाता है, वो पता लगाता है प्रीप्रोसेसर। प्री का मतलब होता है पहले और प्रोसेस का मतलब प्रोसेस करना, यानी कंपाइलर से पहले कंप्यूटर में प्रोसेस करना और जो भी एरर्स आए उन्हें किसे इंडिकेट करना, कंपाइलर को जाके एक मैसेज सेंड करना, ठीक है, ताकि कंपाइलर कंबाइन बता सके कि कितने एरर है हमारे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। इंक्लूड का मतलब होता है साथ लेके चलना। ये पहली हेडर फाइल्स होती है, ये हमारी हेडर फाइल होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये होती है कंसोल इनपुट आउटपुट। इनके अंदर कुछ फंक्शन होते हैं, लाइक जैसे इसके अंदर जो फंक्शन हम यहाँ प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ है। इसके फंक्शन जो हम प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं वो है CLR, SCR एंड GetCH है। ऐसे ही बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, इन्हें लाइब्रेरी फंक्शन लाइब्रेरी बोला जाता है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरी होती है, जैसे मैथ के हमें फॉर्मूला लेने होते हैं तो math.h लगाते हैं, ग्राफिक्स में अगर हमें काम करना हो तो graphics.h लगाते हैं। इसके बाद void का मतलब होता है ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ना इंटीजर, मतलब इंटीजर करेक्टर फ्लोट। आप यहाँ पे इंट भी लिख सकते हैं अगर आप सारी वैल्यूज इंटीजर ले रहे हैं तो, ठीक है। ये आप वैसे सी प्रोग्रामिंग में पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार बता रही हूँ। मेन से क्या होता है, हमारे कंपाइलर को इंडिकेट करता है कि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट है, यहाँ से कंपाइलर से रीड आउट करना स्टार्ट करता है। ये कर्ली ब्रेसेस हमारे प्रोग्राम के स्टार्ट है और जहाँ पे हम खत्म करेंगे वहाँ पे इसे फिनिश कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक 2D एरे को डिक्लेयर किया है, ठीक है। ये है उसका टाइप कैसा है, इंटीजर है। नाम क्या है उसका, नम NUM। रो कितने साइज की है हमारी, 3, और कॉलम कितने साइज का है, 4। यानी रेंज चलेगी इसकी 0 से 2 और इसकी जो हमारा कॉलम की रेंज चलेगी 0 से 3। दो काउंटर हमने यूज करे हैं, पहला हमने रो के लिए यूज किया और ये हमने यूज किया है कॉलम के लिए। ये भी कैसे टाइप के है, इंटीजर डेटा टाइप के, ठीक है। जिस टाइप का हमारा क्या होगा एरे होगा उसी टाइप के हम क्या करेंगे, काउंटर को डिक्लेयर करेंगे। क्लियर स्क्रीन का मतलब यह है कि जो भी हमने अपनी प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने सी में प्रोग्राम लिखा है तो सी जो हमारी होगी, ठीक है, उसमें जो भी हमने प्रीवियस प्रोग्राम की आउटपुट आई है उसको क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, क्लियर स्क्रीन, ताकि जो इस प्रोग्राम की आउटपुट ही सिर्फ हमें शो हो। इसके बाद हम प्रिंट एफ में वो चीज़ लिखते हैं जो हमें दिखनी होती है, यानी सबसे पहले क्या लिखा हुआ आएगा, 2D एरे। सबसे पहला जो प्रिंट एफ है उसमें जो भी चीज़ है वो यहाँ पे आउटपुट में लिखी हुई आएगी। उसके बाद जो पहला लूप चल रहा है वो रो के लिए चल रहा है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, मोस्टली जो प्रोग्राम हम लिखते हैं वो रो मेजर ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, यानी पहले रो वाला मेजर ऑर्डर जो हमने पढ़ा है उसमें लिखते हैं। तो जो भी मेजर ऑर्डर होता है ना उसका वाला लूप पहले लगता है, यानी आउटर में लगता है। आपको दो लूप पता होंगे, एक इनर लूप एक आउटर लूप। ये है आउटर लूप 4 का और ये क्या है हमारा इनर लूप है 4 का। ये हमारा रो के लिए है और ये हमारा किसके लिए है, कॉलम के लिए। आपको पता है हमने रो के लिए क्या लिया था, आई, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आई। और हमने कॉलम के लिए क्या लिया है, जे, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जे। रेंज मैंने आपको बताती थी 0 से 2, इसलिए यहाँ क्या लिखा है, लेस देन 3। लेस देन 3 मतलब क्या होगा, 2 ऑब्वियसली। यहाँ लिखा है लेस देन 4, लेस देन 4 क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो ये आपको लूप पता ही है कैसे कैसे 4 का लूप लगाया जाता है, तो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद जो प्रिंट एफ में लाइन लिखी है वो भी एज इट इज प्रिंट होकर आ जाएगी, एंटर एलिमेंट ऑफ एरे। लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी है, क्योंकि ये लूप के अंदर लाइन लिखी हुई है, ये लूप से बाहर थी लाइन, इसलिए ये एक ही बार लिखी जाएगी, ठीक है। लेकिन ये किस लूप के अंदर लिखी हुई है, हमारे इस आई वाला, ये जो हमारा जे वाला और आई वाला लूप है इनके अंदर लिखी हुई है। यानी टोटल इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, मैंने बताया था इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 4 दैट इज इक्वल टू 12। तो टोटल कितनी बार ये लाइन रिपीट होगी, 12 बार ये लाइन रिपीट होगी, ठीक है। उसके बाद अब स्कैनफ के थ्रू, मैंने बताया था स्कैनफ के थ्रू क्या करते हैं हम, कोई वैल्यू कीबोर्ड के थ्रू देते हैं। अब वो वैल्यू कहाँ जाके स्टोर होगी, इस नंबर पे
आई और जे की वैल्यू हर बार चेंज होगी, मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे चेंज होगी। तो मैंने आपको बताया था वैल्यूज जब हम किसी को भी देते हैं, जैसे ए के अंदर हम वैल्यू डिक्लेयर करते हैं टू, तो ये वैल्यू जाके स्टोर कहाँ होती है, ए के एड्रेस पे, और एड्रेस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड से। इसीलिए जब भी हम कीबोर्ड से कोई वैल्यू देते हैं तो उसके आगे क्या लगा देते हैं, एंड लगा देते हैं। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। उस टाइम पे जे की वैल्यू भी क्या है, जीरो है, तो पहली वैल्यू कहाँ पे जाएगी, यानी लिखा है आई और जे, तो ये कहाँ जाएगी, ए जीरो जीरो पे, यानी जो हम कीबोर्ड से पहली वैल्यू देंगे वो किसके एड्रेस पे जाएगी, ए जीरो जीरो पे, ठीक है। इसी तरह ये लूप आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। दूसरी बार क्या होगा, अभी आई की वैल्यू, क्योंकि आउटर लूप है ये, बाद में बंद होगा, पहले कौन सा बंद होगा लूप, पहले ये लूप खत्म होगा, तो फिर आई की वैल्यू दूसरे टाइम क्या होगी, जीरो ही रहेगी। जे की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से इंक्रीमेंट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी वन। फिर हम चेक करेंगे क्या वन छोटा है चार से, हाँ जी चार से, फोर से वन छोटा है, तो उस टाइम पे जो वैल्यू जाके स्टोर होगी वो होगी ए जीरो वन में, इसके एड्रेस पे, ठीक है। उसके बाद फिर आई का लूप अभी जीरो ही है, जे में फिर इंक्रीमेंट हुआ, जे हो गया टू, क्या टू छोटा है फोर से, यस टू है छोटा फोर से, तो यहाँ पे वैल्यू कहाँ जाके स्टोर होगी, जीरो टू पे, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये लूप से हम बाहर नहीं निकल जाते, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने वैल्यूज दे दी, अब हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, यानी टैबुलर फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, तो आइए देखते हैं कैसे इसे प्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। वही चीज है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमने ये लिख दिया, तो ये एक ही बार लिखा हुआ आएगा क्योंकि ये लूप से बाहर है, ठीक है। फिर हमने वही सेम लूप, क्योंकि हमें उतने ही एलिमेंट देखने हैं, तो रो के लिए हमने सेम लूप लगाया और कॉलम के लिए भी सेम वही लूप लगाया। अब थोड़ी सी आपको बात समझनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। परसेंटाइलिटी हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमें जो हमें डेटा है हमारा वो कैसा है, इंटीजर टाइप है, इसलिए परसेंटाइल डी लगा है। अगर करेक्टर होता तो परसेंटाइल सी आ जाता, इसी तरह अगर फ्लोट होता तो परसेंटाइल एफ आ जाता, ठीक है। स्लैश टी का मतलब ये है, एक वैल्यू के बाद में जैसे टैब छूटता है ना, एक टैब छूट जाएगा, यानी पहले वन आएगा, टू आएगा, फिर एक टैब छूटेगा, फिर थ्री, कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में आएगा, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया, बैक स्लैश टी लगाया, ठीक है। कि इस बार हमें वैल्यू कीबोर्ड से नहीं देनी है, शो कराना, इसलिए हमने यहाँ पे एंड नहीं लिखा। अभी मैंने प्रीवियस लूप में बताया था कि जो पहले इनर लूप है वो क्लोज होगा, फिर आउटर लूप क्लोज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू है जीरो और जे की वैल्यू भी क्या है, इनिशियल में जीरो है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमारा नंबर है जीरो जीरो, वो हमें क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये डिस्प्ले हो गया, जैसे कोई भी नंबर हमने दिया और वो फोर था, तो वो फोर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक टैब की यहाँ पे, क्योंकि हमने बैक स्लैश टी दिया, यानी जब ये वैल्यू प्रिंट हो जाए उसके बाद क्या आ जाए, एक टैब आ जाए, तो बीच में एक टैब छूट जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू अभी जीरो ही है और जे की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी वन। फिर हम चेक करेंगे क्या वन लेस देन है फोर से, यस लेस देन है, तो आई की जे की वैल्यू क्या हो जाएगी वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर जीरो एंड वन। फिर जो भी इसमें वैल्यू होगी, मैं एक एट रैंडम वैल्यू बता रही हूँ, तो जैसे फाइव हो तो यहाँ पे फाइव क्या हो जाएगी, डिस्प्ले। फिर से ऐसे ही एक टैब हो जाएगा और ये ऐसा कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू जीरो है और जे की वैल्यू लेस देन फोर है, यानी थ्री तक है, तब तक ये ऐसे ही चलेगा और यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही जे की वैल्यू हो जाएगी फोर, यानी ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, वैसे ही हम इस वाले लूप से बाहर आ जाएंगे और यहाँ क्या लिखा है, बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट रो में चले जाना। तो ये एक रो तो हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट रो में चले जाएंगे। समझ में आया आपको। फिर उसमें क्या होगा, आई की वैल्यू अभी तक जीरो थी, फिर हम वही पुराने वाले फोर लूप में जाएंगे, आई की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई अब रहेगी वन इस पूरे रो तक, और जे की वैल्यू फिर से क्या शुरू होगी, जीरो। तो यहाँ पहला जो एलिमेंट आएगा वो आएगा नंबर वन जीरो, और उसकी जो भी कोई वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रिंट। फिर एक टैब छूटेगा, फिर आई की वैल्यू तो वन ही रहनी है इस पूरी रो में, फिर जे की वैल्यू क्या रहेगी, आ जाएगी वन। फिर यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो आएगा नंबर वन वन। ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू वन रहेगी और हमारा जे की जो वैल्यू है वो रहेगी थ्री, यानी लेस देन फोर रहेगी। जैसे ही वो फोर से बड़ी होगी फिर हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और बैक स्लैश एन के थ्रू हम क्या होंगे, नेक्स्ट रो में चले जाएंगे। तो कुछ इस टाइप से क्या होगा हमारा ये प्रोग्राम जो है वो रन होगा। गेट स्टेज के थ्रू हम क्या करेंगे, स्क्रीन तक को तब तक होल्ड करेंगे जब तक हम एंटर की प्रेस नहीं कर लेते, ठीक है, आउटपुट शो करने के लिए। अब वही चीज़ है, देखिए मैंने जो अभी बताई थी उसके आउटपुट देख लेते हैं। पहले 2D array लिखा हुआ आएगा, मैंने बताया था 12 बार ये लाइन रिपीट होगी, एंटर एलिमेंट ऑफ एरे। फिर हम यहाँ कीबोर्ड के थ्रू हमने ये क्या किया, ये नंबर सारे नंबर दिए हैं।
इसके बाद ये जो सारे एलिमेंट डेटा एलिमेंट हमने कीबोर्ड के थ्रू दिए हैं, इन सब की यहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गए, जैसे मैंने अभी प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन किया था। ये तो हमारी वीडियो है, ये एंड हो चुकी है, और जो नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे लेंथ और लोकेशन फाइंड आउट करना 2D एरे में, ठीक है, और वो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।